वाला एक्सटॉर्शन और क्राइम सिंडिकेट। ठीक दाऊद की तरह गैंगस्टर की जोड़ी अपना गैंग खड़ा कर रही। लॉरेंस बिश्नोई इस क्राइम कंपनी में मास्टर ब्रेन है, तो गोल्डी बरार कंपनी की रीढ़ की हड्डी। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। सलमान खान का ग्रेव मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे जब पता लग जाएगा इनको। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में झांक लीजिए, अपराध की दुनिया में इन दिनों बस एक ही नाम सुनाई देगा और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। देश में मौजूद धमक का बेजा इस्तेमाल करते हुए लॉरेंस के खौफ से बेखौफ कुछ लड़के उसके नाम का अपना धंधा चला रहे हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर छोटे अपराधी अब अपनी दुकान देश में चलाने लगे हैं। क्राइम कथा में आज बात होगी ऐसे ही गैंग चलाने वाले गुर्गों की। उत्तराखंड और पंजाब के इन दोनों केस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। ये ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। तब दाऊद ने ड्रग्स की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए डी कंपनी बनाई और फिर पाकिस्तान आतंकियों की गठजोड़ बनाकर अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाया। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही बिश्नोई गैंग भी छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत करता है, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा करता है और नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो जाता है। अब बात लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दुकान चलाने वालों की। इस कांड का भांडा तब फूटा जब पंजाब पुलिस ने 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। मोहाली पुलिस की गिरफ्त में यह मास्क लगाए लड़का सैलून में काम करता है। उसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक फर्जी गैंग बनाया और व्यापारियों को फोन करके पैसे वसूले। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लॉरेंस के नाम से क्लब मालिक, सटोरिए, व्यापारी खौफ खाते हैं, क्योंकि जेल के अंदर से गैंगस्टर ने कई लोगों को धमकी देकर उनसे वसूली की। इस बात का फायदा अब जेल के बाहर घूम रहे दूसरे अपराधी भी उठा रहे हैं और उन्हीं में से एक है 19 साल का विशाल कुमार। चंडीगढ़ के मलोया के रहने वाले विशाल के पास से पुलिस ने .32 बोर की पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए और उनके फर्जी बिश्नोई गैंग का भांडा फोड़ कर दिया है। मोहाली पुलिस को इनपुट मिला था कि विशाल कश्मीर सिंह उर्फ बॉबी से मिलने जा रहा है, जिसके साथ मिलकर वो फर्जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहा था और वसूली करता था। पंजाब के बाद अब आपको देवभूमि उत्तराखंड के फर्जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहानी दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो देहरादून के व्यापारियों को टारगेट करके उनसे वसूली करता था। ये शख्स राजस्थान के फोन नंबर से कारोबारियों को धमकी देता था और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। हरिद्वार पुलिस ने फर्जी गैंग चलाने वाले विष्णु और उसके एक साथी को अरेस्ट किया है। आई थी हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई, अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से, जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी, पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिसे फोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जो राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व भी खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरे कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। आरोपी विष्णु हरिद्वार और देहरादून के कारोबारियों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाता था।
फोन पर रंगबाजी ऐसी करता था कि सामने वाला डर जाए, लेकिन वो भूल गया था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और धर्मनगरी में अपराध करने वालों का हिसाब पुलिस ने जल्द करते हुए इस गैंग का भांडाफोड़ कर दिया। 2 तारीख को फिर से व्यापारी के पास कॉल आती है, उनके द्वारा अन्य नंबर से कॉल की जाती है और इस बार डिमांड करने के बाद झगड़े बताई जाती है कि औरत को परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम की जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इस पर अरेस्ट किया है जो तथाकथित रूप से लॉरेंस विश्नाई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफी धन है इनको कॉल की गई थी। इसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, इसमें गोविंद बाबू और वीरेंद्र छोटा सुनार है जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर में आपको बताते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई और क्यों उसके गैंग के नाम का इस्तेमाल इन दिनों जमकर हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का शहर में हुआ। उसके पिता लविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई की मां एक पढ़ी लिखी गृहिणी है। कहा जाता है कि पैदा होने पर उसका रंग दूध की तरह सफेद था, लिहाजा उसे एक क्रिश्चियन नाम लॉरेंस दिया गया जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। लॉरेंस ने स्कूल की पढ़ाई पंजाब के फजिलका में की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ आया। डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने इसके बाद दाखिला लिया। यहीं से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। लॉरेंस ने यूनिवर्सिटी इलेक्शन में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, हालांकि वो चुनाव हार गया। इसके बाद डीएवी कॉलेज यूनियन के 2 गुटों में लड़ाई हुई। गुस्से में लॉरेंस बिश्नोई ने रिवॉल्वर खरीद और चुनाव जीतने वाले पर फायरिंग की। यहीं से क्राइम वर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई और उसने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और सुखा के साथ मिलकर हथियार के दम पर उगाही का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। उसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर नानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर्स ने भी जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई गई और लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बरार सुर्खियों में छा गया। हाल ही में टीवी टुडे को दिए एक इंटरव्यू में गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कबूल किया है कि हाँ, उसने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को विदेश में बैठकर मरवाया था। गोल्डी बरार ने इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो या फिर सलमान खान और सिंगर हनी सिंह को धमकी, इन सब के पीछे लॉरेंस और गोल्डी की गैंगस्टर जोड़ी। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपना धंधा चलाने वालों की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।